लग रहा है कि ये अगर कंप्लीट नहीं बन पाएगा एक ही बार में, तो बस सर्कल हल्का सा बना लीजिए पेन से, उसके बाद ये नीचे वाला भाग को करने के बाद उसके बाद रैपिड स्केच कीजिए। जहाँ हल्का सा कर्व है देखिए, वहां पे हल्का सा कर्व कीजिएगा, ठीक है, हल्का सा बेंड कर लीजिएगा पेन को। आप लोगों को स्क्रीन में तीन तीन रैपिड स्केच दिख रहा होगा, हाँ, तीनों में कुछ कुछ हाँ जलेबी वाला। जलेबी वाला। हाँ चलिए इसको एक बार ट्राई कीजिए अभी करना है। तुरंत। हाँ 5 मिनट। चलिए टेंशन नहीं लेना है, हाँ फ्री माइंड से बनाना है, कुछ नहीं होगा, गलती ही होगा, हम भी गलती करेंगे। चलिए आप लोगों के साथ, आप लोग भी खुश रहिएगा। चलिए इसमें स्ट्रक्चर बताइए, क्या क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, पहले इसका इस शेप का बताइए, इस शेप का बड़ा वाला का। चलिए बोलते जाइए। हाँ चलिए और बोलो, ओवल सर्कल जो बोलना है बोलिए, आगे बोलते चाहिए। बोलिए 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 बोलिए, जल्दी जल्दी छोड़ दीजिए। इसको अगर हम लोग कुछ इस तरह से निकालते हैं शेप, तो हम लोग को शेप निकलेगा इसके बीचों बीच, यानी कि एक लाइन ऐसे खींचिए इस तरह से खींचिए। इसको दो तीन टाइप से बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाना, बस स्ट्रक्चर पहचानना है हम लोग को इसीलिए। या फिर हम पहले जैसे बताते आ रहे थे वो भी कर सकते थे, यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से ये सर्कल बन बन के गया है। जैसे हम ये लेयर्स के बारे में जब बता रहे थे याद है, केवल गिरेश जी को बताए थे, इसमें अगर हम लोग लेयर, चलिए एक चीज हम समझ लेते हैं, हम लोग सबको समझ लेते हैं, इस चीज को अगर काटा जाए लेकिन फिर रिया नहीं है, वो बोलेगी कि हमको लेयर बताते ही नहीं है, हर बार मेरा छूट जाता है। अच्छा वो जब जुड़ेगी उसमें बताएंगे, पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट को हल्का सा नीचे झुकाते हुए ये कुछ इस टाइप का आएगा, हल्का सा इसको उठा दीजिए और ये देखिए कहाँ तक है, देखिए ये लगभग सीधा भाग है, तो इसको समझ लीजिए कि इतना भाग से है, ठीक है, इधर से एक लाइन खींच दीजिए, इसको हल्का सा ऐसे जाके कुछ इस टाइप से मोड़ दीजिए ऊपर साइड में।
कुछ ऐसे ऐसे पे, ये अगर बीच हो रहा है ये लाइन, तो ये हल्का सा नीचे दबेगा वैसे में। हल्का से तिरछा जाएगा, ठीक है, हल्का तिरछा जाके यहाँ पे ओवल शेप बना लीजिए। अगर लग रहा है कि ये थोड़ा चौड़ा होना चाहिए तो हल्का से चौड़ा कर दीजिए इसको। फिनिशिंग के बारे में नहीं सोचना है हम लोग को, फिनिशिंग बाद में, स्ट्रक्चर बनने के बाद हम लोग फिनिशिंग देखेंगे। जिनका नहीं बनेगा, प्रॉब्लम आएगा, वो बताते जाइएगा। इधर हल्का सा देखिए ये उभरा हुआ भाग है ना, हल्का से इसको उभार दीजिए, यहाँ पे एक ओवल शेप बना दीजिए। कॉल कट होता है तो आप लोग सेम लिंक से फिर से जुड़ जाइएगा। इस चीज को देखिए, यहां से हाईलाइट एरिया है तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से कट कर देंगे। नीचे में लगभग इतना भाग से ना, इतना भाग से अगर ये कैप्चर किया हुआ है तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। उसके जस्ट नीचे से और एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है, इधर भी एक सर्कल है। कंप्लीट सर्कल नहीं है तो उसको मैनेज हो जाएगा धीरे धीरे। यहीं पे सोचिए आप लोग, अगर डार्क पेंसिल यूज होता तो ये चीज, जो यहाँ 50 बार जो पेंसिल यूज हुआ है, ये चीज कवर करने में हम लोग को बहुत मेहनत लगती है। लाइट पेंसिल यूज होने से क्या होता है कि आप इजीली इसको जैसे भी गलती है, 50 लाइन गलती है, उसको कवर किया जा सकता है, यही अंतर होता है। देखने में लग रहा है डरावना, वैसे कुछ है नहीं। यहाँ पे और एक चीज छूटा हुआ है, ये चीज जो है इसके बाद जो है नीचे का भाग है, इसको दिखाने के लिए और एक लाइन खींच दीजिए।
बस देखते जाना है कौन कौन चीज कहाँ कहाँ से है, बस बहुत ज्यादा एक्यूरेट करने की कोशिश नहीं कीजिए, जितना बन पा रहा है उतना कीजिए। आप लोगों को जब लग जाएगा कि हाँ ये चीज हम लोग सीख चुके हैं तो हमको बता दीजिएगा, कुछ एडवांस चीज और सिखाएंगे इसमें, कुछ नया नया चीज। आप लोग अपना जो आप लोग सीख लिए हैं, आप लोगों को लगे कि हाँ कुछ इससे ज्यादा सीखना चाहिए, अब नया चीज सीखना चाहिए, तो बता दीजिएगा हमको। अपना अपना राय साझा कीजिएगा तो हमको भी लगे कि हाँ आप लोगों को भी लग रहा है सीख रहे हैं जी। हल्का सा से बोल रहा हूँ, ये सेफ हल्का सा उल्टा हो गया ना, हल्का सा डिस्टेंस में। इतना हो जाएगा तो बताइएगा हमको। यही चीज आप लोगों को रैपिड स्केच में करने बोलते तो अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं तो उतना हड़बड़ाना नहीं है। हम बस जानने के लिए, बताने के लिए आप लोगों को बताए थे एक दो एग्जाम्पल। तो इसमें अगर हम लोग को शेडिंग करना है तो अब आप लोग हमको समझाइए कि कहाँ पे कौन सा पेंसिल यूज होगा। जो अब तक समझा चुके हैं आप लोगों को, आज इस तरह का क्लास हम लास्ट ले रहे हैं, मैंने क्या शेडिंग का। फिर भी आप लोगों को लगेगा कि हाँ जरूरत है तो बोलिएगा, मेरे हिसाब से इतना काफी है। इस जगह पे कौन सा पेंसिल यूज होगा? तू भी ना, ये एरिया, HB और 2B ना, कोशिश कीजिएगा HB। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा स्पीड ट्राई करेंगे, एकदम हम लोग जो नॉर्मल स्पीड से सेटिंग करते हैं वो स्पीड नहीं रहेगा, थोड़ा सा स्पीड कोशिश करेंगे। और कैसे कोशिश करेंगे, मान लीजिए इस जगह को कवर करना है तो कंप्लीट इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पेंसिल को उठाना नहीं है, कंटिन्यू पेंसिल को यूज करते जाना है, ठीक है, समझ में आ गया। इस जगह को कवर करना है, कवर हो गया, क्लियर है? अच्छा कर रहे हैं, हाँ हाँ वो चीज क्लियर कीजिएगा तो ना, हम भी कंफ्यूज रहते हैं।
सेम प्रोसेस फॉलो होते जाएगा जो अब तक हम बताते आए हैं, बस थोड़ा सा इस बार स्पीड बनाने बोल रहे हैं और कुछ नहीं। नॉर्मल हैचिंग कीजिए कंप्लीट एरिया में, उसके बाद हम लोग अलग अलग पार्ट को अलग अलग टाइप से दिखाने के लिए कुछ प्रोसेस को बस समझेंगे, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, बस प्रोसेस समझ लिए किस तरह से हैचिंग कहाँ पे छोड़ना है कहाँ पे करना है, तो हम लोग को इरेजर का यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर हैचिंग नहीं समझे तो हम लोग इरेजर को थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। पहले सेटिंग में क्या करते थे, हम स्पेस छोड़ने मना करते थे, यहाँ पे व्हाइट एरिया दिख रहा है तो उसको हम कवर करने बोलते थे, लेकिन इसमें वैसे कुछ नहीं है, ये रैपिड स्केच के टाइप का ही बता रहे हैं, थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड से ताकि आप लोग बना पाइए। अगर आप लोगों को डाउट लगता है, मतलब समझने में इजी करने के लिए, देखिए यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ पे और एक बिट खींच दीजिए, शेडिंग इफेक्ट को दिखलाने के लिए इजी हो जाएगा। तो जहां जहां रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वो एरिया देखिए लाइट है ना, ये एरिया और ये एरिया दिख रहा है, देखिए रिफ्लेक्शन, इसका जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वो एरिया ज्यादा डार्क नहीं है, ज्यादा डार्क कहाँ पे है, ये भाग में और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसका, ये इस पार्ट में। हम लोग लाइट पढ़ेंगे चैप्टर जल्दी ही, हम कोशिश कर रहे हैं लाइट का जुगाड़ करने का, वैसे में लाइट चैप्टर थोड़ा सा शाम को करने से ज्यादा अच्छा रहेगा, रूम को अंधेरा करके लाइट चैप्टर इजिली अच्छा से बताएगा, तो सेटिंग को और अच्छा समझ पाइएगा। हम लोग अब मार्क कर देंगे कि कहाँ पे हम लोग को डार्क एरिया चाहिए, हम लोग को इस एरिया में डार्क चाहिए, बस समझने के लिए एकदम हल्का हल्का डार्क मतलब लाइन खींचिएगा, अगर जरूरत लग रहा है तो, जरूरत नहीं लग रहा है तो नहीं खींचिएगा। ये एरिया में हम लोग को डार्क चाहिए, इस एरिया में, जिनको समझ में आ रहा है वो एरिया इंडिकेट करने का जरूरत नहीं है, इस एरिया में हम लोग को डार्क चाहिए, ठीक है, इस एरिया में, यहाँ इस एरिया में डार्क चाहिए, इधर लाइट चाहिए, यहाँ पे हम लोग को लगभग इतना भाग में डार्क चाहिए, इधर इधर लगभग इस तरह से समझ लीजिए, इस एरिया को ज्यादा डार्क चाहिए, इधर धीरे धीरे लाइट आएगा, यहाँ पर क्या है, ये हल्का सा ये जगह लाइट रहेगा, ये एरिया डार्क रहेगा, ये डार्क एरिया रहेगा, कुछ इस तरह से ये डार्क एरिया, ये लाइट रहेगा, इधर डार्क रहेगा, यहाँ पे लगभग ये एरिया, ये हल्का सा लाइट रहेगा, ये एरिया जो बीच का है यहाँ पे डार्क रहेगा। समझ में आ रहा है, इतना ज्यादा अंडा अंडा कर दिया, समझ में आ रहा है, यहाँ फिगर में अंतर दिख रहा है ना। ठीक है, बीच में ये एरिया डार्क है, मतलब बीच में लाइट है, साइड साइड में इस तरह का डार्क एरिया है, फिर इधर कुछ
ये भाग लगभग इतना दूर तक ये डार्क है, यहाँ पे इतना डार्क है, इसको मतलब ये समझा दे रहे हैं बस। आप लोग लाइन नहीं भी खींचिएगा तो भी चलेगा, इसमें कुछ इस तरह का एरिया है, ये नीचे भाग डार्क है, ये परछाई एरिया, ये पूरा डार्क है। चलिए अब शेडिंग करते हैं। फोरबी पेंसिल ले लिए हैं, फोरबी पेंसिल से हम लोग क्रॉस हैच करेंगे, ठीक है? क्रॉस हैच इस तरह से पहले यूज हुआ है पेंसिल, अब हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। देखिए ये जो पेंसिल हम लोग यूज किए थे इसका शार्पनेस देखिए, और इस पेंसिल का शार्पनेस उतना नहीं आएगा, अब ये धीरे धीरे मोटा हो गया है ना। बीच में लाइट एरिया है उसको छोड़ देते हैं। ये एरिया अब नीचे जो है इसको डार्क एरिया है ना, तो क्रॉस हैच हम लोग यूज करते हुए इसको डार्क दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए ये जो लाइन हम इंडिकेट करने के लिए दिखाए थे वो लाइन धीरे धीरे गायब हो जाएगा, ठीक है? अगर इस तरह से किए हैं तो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन से मिला दीजिए। अगर आप लोगों को क्रोसेस में दिक्कत आ रहा है तो आप लोग पेज को मोड़ सकते हैं। ये जो हाईलाइट एरिया में भी हल्का सा ज्यादा डार्क है ना, तो यहाँ पे हम लोग हल्का हल्का फोरबी पेंसिल को यूज करेंगे, ठीक है? हल्का हल्का सेकेंड टाइम जब करेंगे हम लोग उसको कवर कर देंगे अच्छा से। एक बार यूज हो जाने के बाद अब हम लोग डबल ट्राई कर सकते हैं फोरबी पेंसिल से ही, जहां ज्यादा हम लोग को डार्क चाहिए। लेकिन बनाते बनाते हम लोग को यह ध्यान नहीं रहा कि बीच में हम लोग को ये लाइन छोड़ना था, ठीक है? किसी को ध्यान नहीं रहा होगा, तो हम लोग इसके लिए बाद में इरेजर यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम शुरू में बताए थे। नहीं भी यूज करेंगे तो भी अभी भी ऑप्शन है, हम लोग इसको दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी हम लोग को ज्यादा डार्क हुआ नहीं है, और भी पेंसिल ही यूज हुआ है, ठीक है? इस चीज को हम लोग को समझना है।
इतना प्रोसेस हो गया आप लोगों का? इतना होने से हम लोग को क्या दिखे, ये जो पहले का जो एडिशनल लाइंस था ये सब अभी हम लोग को दिख भी नहीं रहा है, कोई मतलब नहीं है हम लोग को, ना मिटाने का जरूरत पड़ा ना दिख भी रहा होगा। अगर दिख भी रहा होगा तो सबको वो सबका कोई वैल्यू नहीं है। इतना हो जाने के बाद हम लोग 6B को यूज नहीं करेंगे, सीधा 8B या फिर 10B को हम लोग यूज में लाएंगे, ठीक है। जो सबसे ज्यादा डार्क वाला एरिया है उसको पहले कवर करेंगे। यहां जो ये नीचे का सेकंड लाइन था, कोशिश कीजिएगा उसके जस्ट बगल से 10B को यूज करेंगे, क्योंकि ऊपर लाइट एरिया है। ये भी हल्का हल्का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करेंगे। सेकेंड बार जब हम लोग यूज करेंगे तब हम लोग ज्यादा डार्क करेंगे। अच्छा ये लाइन हम लोग भूल ही गए, अभी छोड़ना था इसको, यहाँ छोड़ने भूल गए। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जो रबड़ को हम लोग कट किए थे ना, आप लोग उसमें नहीं थे, हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का अगर रबड़ है आप लोगों के पास तो हम लोग इसको इस तरह का कट यहाँ से निकाल लेंगे। और अगर इतना नहीं हो पाता है, हो जाना चाहिए सबका, कट करके निकाल लेने से अच्छा होगा, या फिर इसका जो नोक एरिया है उससे हम लोग हल्का से इसको इरेज करेंगे तो निकल जाएगा। सबका निकल गया होगा, एकदम ध्यान ही नहीं रहा, यहाँ पे हल्का सा छोड़ देते ना तो इरेजर का जरूरत नहीं पड़ता। अब हम लोग बाकी एरिया को फिर से कवर कर देंगे। अब धीरे धीरे हम लोग डार्कनेस को बढ़ाएंगे 10 पेंसिल को यूज करते हुए। कर्व एरिया में हम लोग इस तरह से कर्व कर सकते हैं हल्का हल्का पेंसिल को यूज करके। दिक्कत आता है तो आप लोग पेंसिल को हल्का सा टर्न कर, पेंसिल बोल रहे हैं, कॉपी को हल्का सा टर्न कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बिना टर्न के ही करने।
अब ये जो बीच का जो एरिया जहाँ हम लोग छोड़े हैं जगह, यहाँ पे क्या करेंगे, पेंसिल को हल्का हल्का ही सब स्लाइड मारेंगे, लेकिन कोशिश करना है कि जहाँ पे ज्यादा लाइट है, कि बीच का इस सर्कल का बीच वाला भाग से, उस समय हल्का हल्का पेंसिल टच होना चाहिए कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा, डार्कनेस का इफेक्ट भी आएगा और हम लोग का रिजल्ट भी निकल के आएगा। अच्छा जहां पे एकदम पतला पतला एरिया है वहां पे पेंसिल को जैसे हम लोग को शेप देना है वैसे हम लोग बार बार धीरे धीरे यूज करके उस टाइप का शेप हल्का सा दे सकते हैं। अंतर समझ में आ रहा है ना, हम लोग का ये डार्क भी हो रहा है धीरे धीरे, हल्का हल्का डार्क भी हो रहा है और इसके तुलना में ज्यादा लाइट एरिया यानी कि हाईलाइट एरिया भी दिख रहा है। कहने का नहीं बन रहा है तो बोलिएगा, अलग से बताएंगे। शर्माना नहीं है, पूछ सकते हैं। ये पतला व्हाइट एरिया है ये डंडा का, इसको हम लोग हल्का हल्का पेंसिल से कुछ इस तरह से शेडिंग करेंगे दोनों साइड से। इस समय टाइम मांगता है, थोड़ा सा पेशेंस रख के काम कीजिए, अच्छा बनेगा। और दूसरा बात, हम लोग जो शेडिंग करते हैं वहां पे हम लोग को ये चीज लंबा चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब
हम लोग क्या करेंगे, इसको नुकीला करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी नहीं है नुकीला, फिर भी हम बता दे रहे हैं, नुकीला जब करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट, जल्दी रिजल्ट निकल के आएगा, इतना ज्यादा मिलाने का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसे किया ना, सेम प्रोसेस जल्दी जल्दी करते रहते, काम निकल के आ जाता। कॉल कट होगा तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस एरिया को पूरा डार्क करना है तो इसको डार्क कर देते हैं। ऊपर भाग थोड़ा सा कम डार्क है तो हल्का उसमें प्रेशर कम देंगे, और नीचे जो ज्यादा डार्क है यहाँ आप ज्यादा प्रेशर देके इसको कवर कर देंगे पूरा। इस व्हाइट लाइन को दिखाने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से साइड साइड से हल्का सा पतला लाइन निकाल के ले आएंगे। ये हल्का सा मोटा बन रहा है क्योंकि ये चीज मोटा है, इसको हम लोग अगर पतला कर लेते हैं तो और अच्छा इफेक्ट आएगा। करके दिखाई देते हैं। कुछ इस तरह से पतला एरिया को दिखाने के लिए हम लोग को पेंसिल को नुकीला करना होगा। ये अंतर है रैपिड स्केच में और शेडिंग में। नॉर्मल शेडिंग रहता तो हम लोग धीरे 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 जैसे किए, हम लोग शेडिंग ही किए एकमात्र, मतलब एक प्रकार से, लेकिन थोड़ा सा स्पीड किए, बताने में जो टाइम लग रहा है, नहीं तो काम जल्दी हो जाता। जैसे तभी आप लोग बनाए एप्पल और क्या बनाए थे, ये मशरूम, तो दोनों जल्दी जल्दी आप लोग बनाए, पेन ड्राइंग था तो आप लोग पास ऑप्शन नहीं बचा था, तो जल्दी जल्दी काम हो गया। सेम प्रोसेस है ये भी। एक एक चीज हम लोग कंप्लीट करेंगे, है कि टोटल पता नहीं कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। टेन बी पेंसिल से हम लोग उसको थोड़ा सा दिखा देते हैं अच्छा से। इस तरह का कट कट करके आप अगर करते हैं ना सेटिंग, तो हम लोग को इफेक्ट समझ में आता है और अच्छा से इफेक्ट निकल के आता है। धीरे धीरे अब हम लोग डार्क की ओर बढ़ेंगे, मतलब और ज्यादा डार्क।
को इस तरह से स्लाइड मारिएगा ना, तो देखिए इधर से इधर लाइट पकड़ता है, तो ये चीज इफेक्ट हम लोग दिखा सकते हैं जहां पे हम लोग को लाइट हाईलाइट दिखाना है। देखिए इधर से अगर पेंसिल ट्राई कर रहे हैं, देखिए इधर हाईलाइट हो रहा है, लाइट एरिया पकड़ रहा है, इधर डार्क एरिया पकड़ रहा है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, इधर से भी वही प्रोसेस करना है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस छोटे छोटे एरिया को। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हम लोग चाहे तो हल्का सा और अच्छा इफेक्ट दिखाने के लिए इरेजर की मदद से ये जो स्लाइड एरिया है यहाँ पे हल्का हल्का इस तरह से दिखा सकते हैं। नहीं भी दिखाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग जब स्टार्टिंग बनाते हैं उस समय ही हम लोग को छोड़ना रहता है, नहीं भी छोड़िएगा तो कोई इशू नहीं है, और पेंसिल से भी हम लोग उतना दिखा सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो बहुत ज्यादा डार्क है ना उस पे हम लोग चारकोल हल्का सा यूज कर देंगे, जैसे पेंसिल यूज किए थे, उसके बाद जिसके पास चारकोल नहीं है वो 10B पेंसिल फिर से यूज कीजिए, हल्का सा प्रेशर देते हुए। चारकोल हम बनाने बताए थे, आप लोग कोशिश कीजिएगा बन जाएगा, थे ना क्लास में। हाँ, या फिर मार्केट से ले लीजिएगा 15 रुपये 10 रुपये करके, उसमें भी चारकोल का जो सॉफ्ट वर्जन आता है वो लीजिएगा, चारकोल का मीडियम और हार्ड नहीं लीजिएगा, वो सब का आप लोगों का अभी काम नहीं रहेगा उसका। हाँ, पूरा पैकेट नहीं लीजिएगा, वहां बोलिएगा दुकान में कि हमको सॉफ्ट चाहिए, चारकोल का सॉफ्ट पेंसिल चाहिए। अब इसको हल्का हल्का मिक्स कर देंगे, इस तरह उंगली से फिंगर यूज करके भी हम लोग इसको मिक्स कर सकते हैं, या फिर अलग अलग इसके लिए भी मिक्स करने का आता है, जैसे एयरबट आता है उसको ले सकते हैं, या फिर ब्रश से यूज करके ब्रश से भी हम लोग कर सकते हैं। फाइनल फिनिशिंग के लिए और एक बार पेंसिल यहाँ पे यूज कर दीजिए। फाइनल फिनिशिंग पेंसिल से जो हल्का निकल जा रहा था ना उसको मिलाने के लिए। जैसे ये चारकोल का सॉफ्ट पेंसिल है, इसको आप लोग ले सकते हैं दुकान से, वैसे में इसको यूज करने में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा तो पेंसिल का मदद से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है, चारकोल पेंसिल यूज करने के बाद आप अदर पेंसिल को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो चारकोल होता है वो ज्यादा टफ होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है,
इसके तुलना में। इसको यूज करने के बाद आप पेंसिल यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज करने के बाद आप पेंसिल यूज नहीं कर सकते। इससे ही आपको फाइनल फिनिशिंग देना होगा, ठीक है? इसमें तो समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि एक बार चारकोल यूज हो चुका है। किसका आवाज आ रहा था, म्यूट कर लीजिए ना। इसको और अच्छा से मिलाने के लिए और कम से कम 15-20 मिनट का टाइम लगेगा। लाइट कट गया जिसका डर रहता है। ये इफेक्ट अगर आप मोटा ड्राइंग शीट में कीजिएगा ना तो और अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। ये जो वर्क सब ये ड्राइंग शीट में बना हुआ है इसलिए थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है? ये तो जेरोक्स पेपर है ना, इसमें पेज खराब होने लगता है धीरे धीरे, जितना ज्यादा यूज करते जाइएगा ये पेज खराब होने लगता है, ठीक है? यही अंतर है थोड़ा सा। पेज का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा अंतर आता है। ग्रेजी बन रहा है ना? ये छोटा छोटा चीज सबको ना मिलाने में ही जो टाइम लगता है और उसी में ही रिफ्लेक्शन अच्छा निकल के आता है, रिजल्ट अच्छा निकल के आता है। जैसे दीपिका का पहले ही डार्क हो गया था ज्यादा, तो उससे क्या होता है कि सुधार करने में मुश्किल आता है।
कोशिश करना है कि पहले स्टार्टिंग में ही प्रेशर ना दें ज्यादा। स्टार्टिंग में प्रेशर अगर ज्यादा दे दिए तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है आपके पास।